भारत ने वर्ल्ड कप जरूर जीता है, लेकिन आपने इस चीज को महसूस किया कि काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना बड़ा नाम रखते हैं, जो कि भारत की जीत के ऊपर खुशी जता जरूर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। मतलब कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, अगर कल साउथ अफ्रीका जो हारा ही है तो ऑब्वियसली बात है साउथ अफ्रीका दुखी है और हम उस बात को बिल्कुल समझते हैं, लेकिन अगर कल भारत हारता ना तो आपको पता पूरी दुनिया खुश होती, एटलीस्ट वो सारे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस तो जरूर खुश होते जो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया हार जाए। अफगानिस्तान को लेकर मैं जरूर कह सकता हूं कि शायद वो हमारी थाली में ही बैठते और हमारे साथ दुख मनाते, लेकिन बाकियों के बारे में मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये लोग जरूर खुश होते अगर इंडिया हारता तो। मुझे अभी भी याद है कि बांग्लादेश में किस तरीके से जश्न मनाया गया था जब 19 नवंबर 2023 को भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था। ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं आ रहा है बल्कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत गया है। कुछ ऐसे ही नजारे पाकिस्तान से भी नजर आए थे। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो थोड़ा सभ्य देश हो जाता है वो, वरना वहां पर भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने के लिए मिलते हैं। और इस मौजूदा वर्ल्ड कप में भी दबी जुबान में ही सही, लेकिन बीसीसीआई के ऊपर, इंडियन टीम के ऊपर, इंडियन टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर, प्लेइंग कंडीशंस को लेकर, इंडियन टीम के जो मैचेस थे उनकी टाइमिंग को लेकर, हर एक चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इवन कल के मैच में सूर्य कुमार यादव ने जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैच पकड़ा है, अब तो उस कैच के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और बोला जा रहा है कि भाई वहां पर तो बाउंड्री लाइन पहले से पीछे करके रखी हुई थी, बीसीसीआई ने तो ये पूरा सेटअप करके रखा है। मतलब मुझको समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बेवकूफों समान बातें करने वाले लोग क्या इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बीसीसीआई को कैसे पता था कि 19.1 में जो बॉल फेंकी जाएगी वो बॉल लॉग ऑन की तरफ जाएगी और वहां पर इसी तरीके से इतनी ही दूरी पर कैच के लिए बॉल रहेगी जहां पर कि हमको रोक पीछे करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की हार की कामना पूरी दुनिया कर रही थी, सब खुश होते थे। अब जबकि भारत जीत गया है तब तो ये बोल नहीं सकते ना, अरे यार हमें पसंद नहीं आया भाई भारत जीत गया, भारत को नहीं जीतना था। तो अब तो तारीफें होंगी ही, लेकिन एक सेंस की मैं बात कर रहा हूं, एक बिलीफ की मैं बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं समझ आ रही थी। जैसे अगर हम लोग टूर्नामेंट की स्टार्टिंग की ही बात करें, इंडिया को नसाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम दिया गया था, वहां पर इंडिया के शुरुआत के मैचेस होने थे। पाकिस्तान के कुछ मैचेस दूसरी जगह हुए थे, आई थिंक फ्लोरिडा में हुए थे, और उनके कुछ मैचेस होने थे फिर नसाऊ काउंटी में। नसाऊ काउंटी की पिच इस बार के टूर्नामेंट की सबसे घटिया पिचेस में से एक रही, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी रही। उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान टीम का मैच होना था इंडिया से, उसके पहले उन्होंने रोना क्या शुरू कर दिया, अरे इंडिया को फेवर किया जा रहा है, इंडिया तो उस पिच के ऊपर काफी मैचेस और काफी प्रैक्टिस कर चुकी है, हम दूसरी जगह से आ रहे हैं, हम वहां कैसे खेलेंगे। अरे भाई मुझे आप एक बात बताओ, हम इंटरनेशनल क्रिकेट की यहां पर बात कर रहे हैं ना, कोई गली मोहल्ले क्रिकेट की बात तो कर नहीं रहे। और इंडिया भी उसी पिच के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था जहां पर कि बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया वहां पर बिल्कुल फुल फ्लो में खेल रहा था, इवन पाकिस्तान के साथ भी जो इंडिया का मैच हुआ था वो इंडिया 6 ही रन से जीती ना। ऐसा तो था नहीं कि बहुत हाई स्कोरिंग वहां पर मैचेस हुए, इंडिया ने वहां पर आयरलैंड से ही मैच खेला, यूएसए से ही मैच खेला, कोई मैच हाई स्कोरिंग नहीं है। लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि इंडिया ने एक डिफिकल्ट पिच के ऊपर खेलते हुए अच्छा रन स्कोर किया तो दिक्कत सबको हो रही थी। इवन जब इंडिया सेंट लुशिया में ऑस्ट्रेलिया को हराकर गयाना पहुंचा इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलने के लिए, तब इंग्लैंड का माइकल वॉन ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि अरे देखो इंडिया को तो कितनी फेवर करने वाली पिच मिल गई है, गयाना की पिच तो एकदम स्लो है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंडिया को ही फेवर करेगी। अबे मतलब दिमाग का ढक्कन खोलो, सेंट लुशिया से इंडिया यहां पर आ रही है, प्रैक्टिस का कोई बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं है, एंड सडनली एक बढ़िया इवन बाउंस वाली पिच पे से आपको आके एक ऐसी पिच के ऊपर खेलना है जिसका कि पिच पे बाउंस पूरा अनइवन है, पिच जरूरत से ज्यादा स्लो है, पेस बॉलर्स को हेल्प मिल नहीं रही है, बैट से टाइमिंग हो नहीं पा रही है, वहां पर एडजस्टमेंट कैसे किया फिर टीम इंडिया ने? क्या आप उसे स्किल नहीं बता सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया ने इस स्किल को बहुत अच्छे से शोकेस किया, इन लोगों को हजम ही नहीं हो रही है। भाई माना कि अंग्रेजों ने इस खेल को ईजाद किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को बिल्कुल भी एक्नॉलेज ही ना करें, क्योंकि ये सरासर चीटिंग हो जाती है और ये सरासर मेरे हिसाब से गलत होता है कि आप सामने वाले को उसका ड्यू दो ही ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ दूसरे कलेशों में ही इंडिया फंसी हुई थी, इंडिया ने खुद भी काफी सारे अच्छे डिसीजंस लिए और कहीं ना कहीं वही सारे जो डिसीजंस थे वो पे ऑफ भी कर गए। जैसे टीम इंडिया का जो टीम सिलेक्शन था वो बहुत बहुत सटीक था, मतलब अगर हम फेलियर्स को अगर छोड़ दें तो आप ऑलराउंडर्स की गिनती करिए, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल,
चार ऑलराउंडर हमारी टीम से खेल रहे थे, जिनमें से कि दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और दो स्पिन ऑलराउंडर थे। अब ऐसा अमूमन टीम इंडिया में कब देखने के लिए मिलता है, जब आप इतने सारे ऑलराउंडर के साथ में खेले। एंड स्पेशली अक्षर पटेल का जो सिलेक्शन हुआ था, मुझे आज भी याद है 2023 के वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, बट लास्ट मोमेंट पर किसी इंजरी का बताकर उनको बाहर कर दिया गया था। और इस बार जब बापू को मौका मिला तो बापू ने बिल्कुल चढ़ के खेला और बता दिया कि क्यों वो सबके बाप हैं। आज चाहे आप इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की बात कर लें या फिर फाइनल में खेली गई इंपॉर्टेंट 46 रन की नॉक की बात कर लें, अक्षर पटेल ने बताया है कि क्यों वो इस टीम इंडिया की एक बेहतरीन रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। अक्षर पटेल ना सिर्फ बॉलिंग में महारत रखते हैं बल्कि बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं। आप चाहें तो उनको लोअर डाउन द ऑर्डर खिला सकते हैं और चाहें तो उनको आप अब भी भेज सकते हैं, एंड इन सब चीजों में बिल्कुल कंफर्टेबल है बंदा। तो ये कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा ने जो एक कॉम्बिनेशन चुना था उसी के कारण पॉसिबल हो पाया कि टीम इंडिया में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, बैटिंग में इतनी ज्यादा डेप्थ थी कि मौका पड़ने पर आठवें नंबर के पे आने वाला जो बैट्समैन है वो भी सही तरीके से बैटिंग कर सके। हाँ, मैं जानता हूं दुबे और रविंद्र जडेजा को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब इनको सिलेक्ट किया, देखिए रविंद्र जडेजा का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, रविंद्र जडेजा को तो सिलेक्ट करना ही था। उन्होंने परफॉर्म उतने अच्छे से नहीं किया, ये एक बात अलग है, बट दुबे ने क्योंकि आईपीएल में लगातार अच्छा परफॉर्म किया था तो वहां से उनको सिलेक्ट किया गया था। बट अब ठीक है, चला नहीं बंदा, थोड़ा बहुत चला, एक मैचेस में चला मेरे ख्याल से यूएसए, और फाइनल में तो चला ही है, एक आध मैच में और चला था, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से खेल गया, बट इतना भी जरूरी था जो हुआ। हालांकि इसको लेकर आगे आने वाले समय में बातचीत जरूर होगी और देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ होता है। बट इसके अलावा अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इस टीम में हर तरह के खिलाड़ी थे। आपके पास ओपनर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास विकेट कीपर के ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास पेस बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। एक सही मायनों में देखे गए टीम कॉम्बिनेशन में यही सारी चीजें होती हैं और हमारे पास ये सब चीजें थी। माइकल वॉन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात करी, कैसे माइकल वॉन ने बताया था कि यहां पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही इंडिया को फेवर करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक यही बात इंजमाम उलक ने भी कही कि इंडिया को फेवर करते हुए ही सारी चीजें करी जा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ ना, इसको शुरू होने में जब 20 मिनट बचे थे ना, तब स्टेडियम की सिर्फ 60% सीटें भरी थी। इसका मतलब यह था कि स्टेडियम में आकर लोग मैच देखने के लिए उतने ज्यादा क्यूरियस नहीं थे, तो ऐसे में तो एक फेल्ड इवेंट है। अब जब आपको एक फेल्ड इवेंट को सक्सेसफुल बनाना हो तब आपको करना यह होता है कि आपको उसकी व्यूअरशिप बढ़ानी पड़ती है। एंड वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, इवन इससे पहले जो वेस्टइंडीज में हुआ था, उस समय पर आईसीसी इस बात को नोटिस कर चुका था कि जो वेस्टइंडीज की टाइमिंग है वो इंडिया के हिसाब से ठीक नहीं बैठती है। एंड समवेयर इसीलिए वेस्टइंडीज में हुए लास्ट 2007 के वर्ल्ड कप में भी व्यूअरशिप इतनी नहीं मिली थी। एंड सबसे ज्यादा व्यूअरशिप की अगर हम लोग बात करें तो वो साउथ एशिया से ही आती है। यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, अफगानिस्तान भी कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसे में इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट मैचेस को ऐसे डिजाइन किया गया कि पार्ट टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिल सके, जो कि इवेंचुअली आपके प्रॉफिट जनरेशन का काम करती है। पर ये जो इंजमाम उलक हो गए, माइकल वॉन हो गए, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये लोग इस बात के ऊपर काम नहीं करेंगे क्यों इनकी टीम की व्यूअरशिप नहीं बढ़ रही है, पर क्योंकि इनको बकवास करना है तो इसीलिए सामने वाले के सामने मुंह बंद नहीं रखेंगे, क्योंकि मुंह बंद रख लेंगे तो आखिर कैसे ही चलेगा। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं जो टेलीविजन राइट्स है ना, उनको बहुत हद तक कंपनसेट करने का भी काम किया है। बस इसीलिए बीसीसीआई के सामने हर कोई झुका हुआ नजर आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, बीते एक साल के अंदर हमने 3 चैंपियनशिप के फाइनल खेले, चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात कर लें, या फिर आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें। और अगर हम लोग तीनों फॉर्मेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर बार आपको लिखी लिखाई चीज मिल जाएगी और आप फाइनल पहुंच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो जाहिर सी बात है आप ऐसी बातों को पचा भी नहीं पाएंगे। टीम इंडिया की ये जीत काफी मायनों में काफी कुछ कहती है, काफी इंपॉर्टेंट जीत है, और जो भी कोई व्यक्ति इस जीत के बारे में कुछ गलत कहेगा, जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा पोंगा होगा और सबसे बड़ा चादर मोड़ भी होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।